अपनी वाइफ के साथ सभी जो है व्रत जो है वो खोल रहे हैं। आप सुपना लेक की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां चांद दिख चुका है, जिसका इंतजार पत्नियों को सुबह से था भूखे प्यासे रहकर, और कुछ तो पतियों ने भी अपनी पत्नियों के लिए जो है व्रत रखा है। तो अब जो है इंतजार खत्म हुआ है, अब जो है महिलाएं जो है वो अपना व्रत खोल रही है, अपने पति के हाथों से पानी पीकर जो है ये व्रत खोला जाएगा। आपको हम तस्वीरें सुपना लेक से दिखा रहे हैं जहां पर चांद दिखना जो है शुरू हो गया है, और सभी पत्नियां अपने पतियों के पूजा कर रही है, उनके लंबी आयु अच्छे स्वास्थ्य की जो है वो कामना इस दौरान की जाती है। और कई न्यूली वेड कपल्स आए हैं जिन्होंने यहाँ पर पूजा करनी शुरू कर दी है, अपनी थाली जो है वो तैयार करके अब थोड़ी ही देर में जो आप रिचुअल देख सकते हैं कि कैसे छन्नी से अपने पति की तरफ देखा जाता है, और ये खूबसूरत नज़ारे जो है हम आपको सुखना लेक से दिखा रहे हैं जहाँ जो चांद है उसकी उसका दीदार हो चुका है महिलाओं को और उन पतियों को भी जिन्होंने सुबह से अपनी बीवियों को जो है किसी ना किसी तरह से सपोर्ट किया है, चाहे वो किचन में खाना बनाकर हो, चाहे उनके लिए गिफ्ट्स लाकर हो। और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे जो है यंग जनरेशन जो है उन्होंने भी पहली पहली बार अपने हस्बैंड्स के लिए व्रत रखा है। थाली जो है यहाँ पर तैयार की जा रही है और इसके बाद जो है अपने पति के हाथ से पानी पीकर जो है वो महिलाएं यहाँ पर व्रत खोलेंगी। और ये करवा चौथ का जो है शुभ दिन है, महिलाओं के लिए बहुत बड़ा दिन है आज। सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है वो व्रत करती हैं। और अभी सुखना लेक पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जो है बहुत सारी महिलाएं अपने पति के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत तोड़ेंगी, और जो दीर्घायु है लंबी उम्र के लिए जो है पत्नी अपने पति को जो है वो यहां पर कामना करती है, और चांद को देखकर जो है चांद को अर्घ दिया जा रहा है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सुखना लेक की जहां पर चांद को अर्घ दे रही हैं महिलाएं, और थोड़ी ही देर में अपना जो है व्रत वो खोलेंगी। चांद जो है अब सुखना लेक पर दिखना शुरू हो गया है, और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे महिलाएं जो है वो अपने पति को छन्नी से देखकर, कहा जाता है कि छन्नी से जितने प्रतिबिंब आपको अपने चांद के दिखते हैं और उतने ही प्रतिबिंब आपके पति के आपको दिखाई देते हैं, तो उतनी ही दीर्घायु जो है वो पति की होती है। तो ये वो पौराणिक कथा है जिसके लिए केवल छन्नी से ही, छन्नी और दिए से ही अपने पति को देखा जाता है, और बिना छन्नी के जो है ये पूरा जो है वो पूजा नहीं मानी जाती है। इसीलिए हर पत्नी छन्नी से जो है अपने पति को देखते हैं, और आप देख रहे हैं कि कैसे अपने पति के हाथों से पानी पीकर इस व्रत को तोड़ा जाता है। तो बहुत से जो है नवविवाहित जोड़े भी यहाँ पर हैं, और कई ऐसे भी जोड़े हैं जिनको 30-30 साल एक साथ हो चुके हैं, और वो मिलकर जो है यहाँ पर अर्घ दे रहे हैं, पूजा कर रहे हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, और व्रत तोड़ा जा रहा है यहाँ पर। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सुखना लेक से, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर चांद जो है वो दिखना शुरू हो गया है, और ऐसे में सभी पत्नियाँ अपनी पूजा जो है वो शुरू कर चुकी हैं, और अपने पति की लंबी आयु के लिए जो है वो करवा माता का ये व्रत किया जाता है। और इसी को सफल बनाने के लिए आज पूरा दिन निर्जला व्रत किया जाता है, पानी की एक बूंद भी जो है व्रत जो करती है महिलाएं वो नहीं पीती हैं, और ऐसे में बड़ी बेसब्री से जो है वो इंतजार यहाँ पर किया जाता है। और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया जा रहा है, और अपनी पत्नी का जो है व्रत यहाँ पर खोला जा रहा है सभी पतियों द्वारा। तो सुखना लेक की ये लाइव तस्वीरें जहाँ पर पानी पिलाकर अपनी पत्नियों का व्रत सभी पति तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत ही श्रद्धा से जो है महिलाएं ये व्रत करती हैं अपनी पति की लंबी आयु के लिए, और बहुत सालों तक लंबे अरसे से महिलाएं ये करती हुई आ रही हैं, और ऐसे में उनके सपोर्ट भी जो है वो महिलाओं के हस्बैंड करते हैं। और आप देखिए कैसे अपने सास ससुर का भी जो है वो यहाँ पर आशीर्वाद लिया जा रहा है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सुखना लेक की, चांद दिख चुका है, और ऐसे में सभी जो है अपना व्रत जो है वो तोड़ रहे हैं, अपने पति के हाथों से पानी पीकर ये व्रत तोड़ा जा रहा है, और अभी चांद को महिलाओं द्वारा अर्घ दिया जा रहा है।
तो बहुत ही खास ये मौका है महिलाओं के लिए। और आप माहौल देखिए चंडीगढ़ के सुखना लेक का, जहाँ पर बहुत से जो शादीशुदा कपल्स हैं वो आए हैं, जिन्होंने व्रत रखा है वो चांद को देखकर यहाँ पर व्रत तोड़ रहे हैं। और हमने बहुत सारे कपल से बात की तो पता लगा कि सबके अपने अपने रिचुअल्स हैं। कोई डिनर पे जाएगा इसके बाद अपनी पत्नी के लिए, क्योंकि पत्नियों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो हर कोई अपने इस खास दिन को और खास बनाना चाहता है अपने तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो है खास इसे बनाया जा रहा है इस दिन को। सभी पत्नियां पूजा करके जो है अपना व्रत तोड़ रही हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सुखना लेक की, जहाँ पर सुहागन महिलाएं जो है वो अब जो है अपना व्रत तोड़ रही हैं। चांद जो दिखना है वो शुरू हो चुका है और सभी बारी बारी से एक एक करके जो है अपना व्रत जो है यहाँ पर खोल रही हैं। मुंह मीठा कराकर छन्नी से जो है वो पति को देखा जाता है। छन्नी के जितने प्रतिबिंब से आप चांद को देखते हैं, उतने ही प्रतिबिंब जो है आपको आपके पति के नजर आते हैं। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार इसीलिए छन्नी से देखा जाता है, क्योंकि जितने प्रतिबिंब होते हैं उतनी ही लंबी आयु पति की मानी जाती है। इसीलिए छन्नी का जो है वो बहुत ही अहम रोल है। और सुबह से पानी नहीं पिया होता, इसीलिए पानी जो है वो पति द्वारा यहाँ पर पिलाया जाता है और अपने हाथों से कुछ मीठा ये खिलाया जाता है, क्योंकि अन्न का एक भी दाना जो है वो पत्नी नहीं लेती है। और उसके बाद पत्नी अपने पति से आशीर्वाद भी लेती है और दुआ करती है कि उसके पति की आयु, स्वास्थ्य और जो उन्नति है जिंदगी में, जीवन में, वो यूं ही बरकरार रहे। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पत्नी जो है अपने पति के हाथों से जो है व्रत खोल रही है। और इनमें कुछ पति ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखा है और वो भी छन्नी से जो है अपनी अपनी पत्नी को देख रहे हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग भी आपको देखने को मिलेगी सुखना लेक पे। सुखना की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, चांद जो है यहाँ पर दिख चुका है। ऐसे में सभी पत्नियां अपने पति के हाथों से जो है व्रत खुलवा रही है, उनके हाथों से जो है पानी पीकर और चांद को अर्घ देकर और छन्नी से अपनी पति की तरफ देखकर यहाँ पर जो है वो व्रत जो है वो खोला जा रहा है। आज करवा चौथ का दिन महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत ही हर्ष और उल्लास से ये जो है महिलाएं मनाती हैं। और इस दिन अपने पति की लंबी आयु और उन्नति के लिए महिलाओं की तरफ से जो है वो करवा माता से वरदान मांगा जाता है। सूर्य उदय के बाद जो है महिलाएं कुछ नहीं खाती पीती हैं और चांद के निकलने के बाद ही जो है वो व्रत यहाँ पर महिलाएं तोड़ती हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो चांद अब निकल चुका है तो महिलाएं अपने व्रत को तोड़ रही हैं। उनके हाथों से जो है वो पानी पीकर, क्योंकि सुबह से पानी जो है वो महिलाएं नहीं पीती है और अनाज भी नहीं खाती है या कुछ भी नहीं खाया जाता है, तो निर्जला ये व्रत होता है। इसीलिए अपने पति के हाथों से मीठा खाकर जो है यहाँ पर पत्नियां व्रत खोल रही हैं अपना। और ऐसे कई पति हैं जिन्होंने अपनी पत्नियों के लिए भी ये व्रत रखा है, उनके प्यार में उन्हें सपोर्ट करने के लिए, इसीलिए वो भी अपनी पत्नियों को छन्नी से देखकर जो है वो व्रत खोल रहे हैं। तो सुखना लेक से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ के सुखना लेक में जो है रौनक है इस वक्त, क्योंकि चांद भी दिख चुका है और महिलाएं धीरे धीरे करके अपना व्रत जो है यहाँ पर खोल रही हैं।
जाएगा।